वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि वाई एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। स्लोप डाउनवर्ड का मतलब यही है कि यहाँ नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी जो स्लोप है वो आपको बताता है कि जो दो वेरिएबल है उनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए, किसी भी चीज में जब आपको ये प्रूफ करना हो कि इसका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, तो आपको एक ही बात प्रूफ करनी है कि आपका ये वेरिएबल वेरिएबल वन और वेरिएबल टू, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी ये ओरिजिनल है, अगर ये बढ़ा तो ये घट जाएगा और अगर ये यहां से घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। ये नेगेटिव रिलेशनशिप अगर आपने प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ हो जाता है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। देखिए, नेगेटिव रिलेशनशिप हम यहां एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं, जो हमारा पहले इंडिविजुअल डिमांड कर्व था उसके अंदर सपोज कर लीजिए क्वांटिटी ऑफ एक्स, हम प्रोडक्ट एक्स लेके चल रहे हैं, तो ये प्राइस ऑफ एक्स है और ये हमारा डिमांड कर्व होता था, बिल्कुल सेम वैसी जैसे मैंने अभी समझाया। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घट जाएगी, अगर प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये सेम पैटर्न एग्रीगेट डिमांड या सेम रीजंस एग्रीगेट डिमांड में फॉलो नहीं होते हैं, यानी ये जो भी हमने यहां बेसिकली कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ये चेंज होता है। देखिए, अगर सपोज कर लीजिए कि प्राइसेस जो है वो कम होते हैं, अगर प्राइस कम होते हैं तो उससे डिमांड क्यों बढ़ती है? एक तो ये कि एक तो रीजन यही कि आदमी की रियल इनकम बढ़ जाती है, इसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ती है। दूसरे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, एक प्रोडक्ट के प्राइस अगर घटे हैं तो दूसरा प्रोडक्ट जो उसका सब्स्टिट्यूट जो लोग यूज कर रहे थे वो भी इसी को यूज करने लगते हैं, इस वजह से डिमांड बढ़ जाती है और नेगेटिव रिलेशनशिप बन जाती है। यहां ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां पर जो हम एग्रीगेट डिमांड हमने ली है तो मतलब ये तो पूरी कंट्री की डिमांड है ना, पूरी कंट्री की सारे प्रोडक्ट की डिमांड है। यहां पर हम लेकर चल रहे हैं प्राइस ऑफ एक, यानी प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यहां पूरी कंट्री में जितने भी प्रोडक्ट है उन सबके प्राइस का एवरेज लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं जर्नल या ओवरऑल प्राइस लेवल। समझ रहे बात को? तो जब प्राइस लेवल मान लीजिए कम होता है तो उससे क्या होगा, हम ये मानकर चलते यहां तो प्राइस लेवल घटा उसकी रियल इनकम बढ़ गई, उससे डिमांड बढ़ गई। यहां पर प्राइस अगर जर्नल प्राइस लेवल घटता है तो उसके साथ वेजेस भी घट जाती हैं, उसके साथ जो आपने प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई उसके रेंट्स भी घट जाते हैं, या आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसका इंटरेस्ट रेट भी घट जाता है। तो अब मानकर चलिए कि अगर जर्नल प्राइस लेवल घटता है तो उसके साथ साथ आपकी एग्रीगेट डिमांड में भी फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि आपकी इनकम भी चेंज होती चली जाती है, चाहे वो वेज हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो। एग्जाम्पल लीजिए कि साहब मेरी इनकम 12 थी और मैं कोई प्रोडक्ट है एक्स प्रोडक्ट है उसको मैं 2 खरीद लेता था, 6-6 का 1 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसके प्राइस घट गए, पहले इसके प्राइस 6 थे, अब इसके प्राइस 5 हो गए, ठीक है। तो अब तो यह जाहिर है मैं इसको जो है वो 2 खरीद लूंगा और मेरे पास बच जाएगा, लेकिन क्योंकि प्राइस जर्नल प्राइस लेवल घट रहा है और हमने ये प्राइस लेवल एवरेज लिया है सारे प्रोडक्ट का, तो इसका मतलब सारी चीजें कम हो रही हैं, रेंट भी कम हो रहा है, वेजेस भी कम हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है, तो सारी चीजें कम हो रही है ना, और उनसे हमारी इनकम बन रही है वो भी कम हो रही है, तो हमारी इनकम घटकर 10 हो गई, अब भी हम 2 ही ले पा रहे, ठीक है। अब प्राइस 5 हो गए इसके एक्स के और अब भी हम 2 ही ले पा रहे। तो अगर आप रियल वेरिएबल की बात करें तो यहां कोई चेंज नहीं है, रियल वेरिएबल में कोई चेंज नहीं है। पहले भी अपनी इनकम में मैं 2 खरीद पाता था एक्स, आज भी अपनी इनकम में मैं 2 खरीद पा रहा हूं एक्स, लेकिन नॉमिनल वेरिएबल चेंज हो रहा है। कैसे? पहले 12 था अब 10 हो गया, है ना, जो दिख रहा है वो तो चेंज हो रहा है लेकिन रियल वेरिएबल में कोई चेंज
नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि गुड चीप हो रही है, प्राइस लेवल कम हो रहा है, तो सॉरी मैंने एग्रीगेट डिमांड कर्व तो बना देना था। ये दिख रहा है हमें कि प्राइस लेवल ये था तो एग्रीगेट डिमांड ये थी, प्राइस लेवल कम हुआ तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, ये हमें दिख रहा है 12 से वो हमारी इनकम में चेंज आ रहा सब। लेकिन आज भी आप अगर मान के चले तो रियल वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि प्राइस लेवल के साथ साथ बाकी फैक्टर्स भी चेंज होते हैं, आपकी इनकम में चेंज आता है, जैसे वेज है, रेंट है और इंटरेस्ट रेट है। अब फिर ये सवाल पैदा होता है, अगर ऐसा है तो फिर एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, क्यों इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप आती है? ठीक है, उसके लिए तीन अलग अलग रीजंस हैं। अब एक एक करके हम सारे रीजंस को डिस्कस करेंगे। इसमें तीन रीजंस आते हैं। सबसे पहला रीजन है पीजोस वेल्थ इफेक्ट। पीजो का वेल्थ इफेक्ट, ये जनरली आप वेल्थ इफेक्ट के नाम से पढ़ते होंगे, मैंने पूरा लिख दिया है क्योंकि ये पीजो से लिया गया, पीजो की थ्योरी से लिया गया है, इसलिए इसको मैंने पीजोस वेल्थ इफेक्ट कहा है। दूसरा है केन्स इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, केन्स इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, ये भी आप लोग इंटरेस्ट रेट इफेक्ट के नाम से पढ़ेंगे। आप केन्स का लिख दिए क्योंकि केन्स की थ्योरी से लिया गया है, इसलिए मैंने इसमें केन्स इंटरेस्ट रेट इफेक्ट लिख दिया है। और तीसरा है मुंडेल फ्लेमिंग एक्सचेंज रेट इफेक्ट, मुंडेल फ्लेमिंग एक्सचेंज रेट इफेक्ट। ठीक है, ये तीन रीजन है जिसकी वजह से जो हमारा स्लोप है एग्रीगेट डिमांड कर्व का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। ये आपकी एग्रीगेट डिमांड हो गई और ये आपका जनरल प्राइस लेवल हो गया। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं पीजो वाला यानी वेल्थ इफेक्ट, उसके बाद बाकी देखेंगे। देखिए वेल्थ इफेक्ट का सिंपल ही मतलब ये है, पहले तो आप ये मानिए जैसे मैंने कहा था कि नॉमिनल वेरिएबल पर तो फर्क पड़ता है लेकिन रियल वेरिएबल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि रियल वेरिएबल जो है, जो हमारे रियल एग्रीगेट डिमांड है, वो डायरेक्टली इफेक्ट होती है प्राइस लेवल से, जो जनरल प्राइस लेवल है। क्योंकि देखिए अमाउंट ऑफ मनी तो फिक्स है ना, ऐसा तो नहीं होता जो आपको अभी सैलरी मिल रही है वो गवर्नमेंट नए नोट छाप के आपको देगी, ऐसा नहीं होता। जो मनी है फिक्स है, उसी के अंदर सारा काम चलता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं तो उससे आपकी परचेजिंग पावर पर डायरेक्ट असर पड़ता है। अगर प्राइस लोअर हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। छोटा है, मैं यहां जरा सा बड़ा बना देता हूं। देखिए मान लीजिए पहले प्राइस लेवल ये थे और आपकी डिमांड ये थी, क्यों लिख दिया है मैंने यहां पर, ये आपका प्राइस लेवल था। ठीक है, अब आप एक बात देखिए कि अगर प्राइस लेवल घटे, आपके पास इनकम वही है लेकिन अब आप इतना और खरीद सकते हैं, यानी आपकी वेल्थ में बढ़ोतरी हो गई, आपकी वेल्थ ज्यादा हो गई यहां पर, इसलिए इसको वेल्थ इफेक्ट कहा जाता है। कि जब आपके पास वेल्थ बढ़ेगी तो यह कंडीशन एक कंज्यूमर को इंड्यूस करती है कि वो ज्यादा स्पेंड करे। मान लीजिए मेरी इनकम उतनी है जितनी पहले थी और टोटल जनरल प्राइस लेवल घट गया, मेरे पास तो बहुत पैसा हो गया, अब उतने ही पैसे में बहुत ज्यादा चीजें खरीद सकता हूं, तो मैं ज्यादा खरीदने लगूंगा चीजों को। हो सकता है जितना मैं पहले अपनी इनकम में खरीद रहा था उससे भी ज्यादा मैं खरीद लेने को। ठीक है, तो प्राइस लेवल के घटने से पीजो ने कहा कि जनरल प्राइस लेवल के घटने से कंज्यूमर की वेल्थ बढ़ जाती है, जो उसको इनकरेज करती है ज्यादा खर्च करने के लिए, और जब ज्यादा खर्च करता है वो तो उसकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। प्रूफ हुआ, प्रूफ क्या हुआ कि जब जनरल प्राइस लेवल घटेगा
तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। और यहां रीजन बताया क्योंकि प्राइस के घटने से कंज्यूमर की वेल्थ बढ़ जाती है। तो ये प्रूफ हुआ कि पीजो के वेल्थ इफेक्ट की वजह से यहां पर एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, दूसरा है केन्स वाला इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। मैं केन्स पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस इंटरेस्ट रेट इफेक्ट लिखे दे रहा हूं। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट रेट इफेक्ट क्या कहता है। जो मनी डिमांड है, हम लोग जो मनी डिमांड करते हैं, पैसा हमें कितना कैश में चाहिए, लिक्विडिटी में कितना पैसा चाहिए, वो टोटली डिपेंड करता है प्राइस लेवल पर। अगर प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल बहुत ज्यादा है तो हमें मनी डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें वो सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। और जब प्राइस लेवल कम होता है तो हमें कम पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हमारी मनी डिमांड घट जाती है, कम होती है। मान के चलिए कि मान लीजिए कि प्राइस लेवल जो है वो घटा। अब प्राइस लेवल अगर घटेगा तो हमारे पास पैसा अब ज्यादा होगा। वेल्थ इफेक्ट में भी हमने पढ़ा था ना कि पैसा जब घटता है तो हमारे पास वेल्थ बढ़ जाती है। अब जब हमारे पास पैसा ज्यादा है, वेल्थ ज्यादा है, तो हम खर्च कम कर पा रहे हैं और सेव ज्यादा कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम जो सेव करेंगे वो हम कहां करेंगे? एक बात हमने करी कि प्राइस लेवल घटा, प्राइस लेवल के घटने से हमारे पास पैसा ज्यादा हुआ और हमने करेंसी को सेव करना शुरू किया, क्योंकि हमारी जो डिमांड फॉर मनी है वो कम हो जाती है सामान खरीदने के लिए। उस पैसे को सेव करके हमने बैंक में रख दिया, बैंक ने वो उस पैसे का लोन दे दिया, यानी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है लोन्स के लिए। जब बैंक के पास सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है तो बैंक चाहता है ज्यादा से ज्यादा लोन बांटे, और उसके लिए उसको इंटरेस्ट रेट घटाना पड़ता है। इसीलिए इंटरेस्ट रेट इफेक्ट है। जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो लोग क्या करेंगे? जो बिजनेसमैन है वो ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोन लेके इन्वेस्ट करेंगे। और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उससे जॉब्स निकलेंगी, जॉब्स निकलेंगी तो लोगों को इनकम मिलेगी, जब इनकम मिलेगी तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्राइस घटे, प्राइस घटने की वजह से लोगों की वेल्थ बढ़ी और वो ज्यादा ज्यादा पैसा सेव कर पा रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड फॉर मनी कम हो जा रही है। जब वो सेव कर रहे हैं तो उससे बैंक के पास मनी सप्लाई बढ़ रही है, वो लोन ज्यादा देना चाह रहा है, उसके लिए उसको इंटरेस्ट रेट घटाना हुआ। इंटरेस्ट रेट जैसे ही घटा उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ गए, जब इन्वेस्टमेंट बढ़े तो लोगों को जॉब मिले, रोजगार मिला लोगों को, और उनकी इनकम बढ़ी, और उसकी वजह से जब इनकम बढ़ी तो ज्यादा लोग खरीदेंगे और एग्रीगेट डिमांड पर फर्क पड़ गया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। तो प्रूफ हो गया कि जैसे प्राइस लेवल कम होता है एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस, जनरल प्राइस लेवल एज वेल एज द एग्रीगेट डिमांड। या आप इसको एग्रीगेट डिमांड कहिए या आप उसको क्वांटिटी कहिए, जनरल क्वांटिटी जीडीपी। ठीक है, तीसरा है मुंडेल फ्लेमिंग एक्सचेंज रेट इफेक्ट। तो मैं मुंडेल फ्लेमिंग नहीं लिख रहा, एक्सचेंज रेट इफेक्ट लिख देता हूं मैं, एक्सचेंज रेट इफेक्ट। देखिए होता क्या है, अभी हमने दूसरे वाले में हमने क्या पढ़ा था कि जब प्राइस लेवल कम होता है तो उससे इंटरेस्ट रेट घट जाता है, प्राइस लेवल के घटने से इंटरेस्ट रेट भी घट जाता है। जब इंटरेस्ट रेट आपका घट गया, आपकी कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट कम हुआ, तो आपके जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो क्या करेंगे? वो कहेंगे कि यार अब हमारी अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो बेहतर ये कि हम किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करें ताकि हमें वहां से इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिले। इसका मतलब अब आपकी कंट्री की करेंसी का फ्लो चालू हो गया, डोमेस्टिक करेंसी फ्लो चालू हो गया दूसरी कंट्री के अंदर। उससे क्या होगा, जब आपकी करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो आपका एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। जब आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यानी दूसरी कंट्री के अंदर आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो आपकी कंट्री की जो करेंसी उसकी सप्लाई बढ़ेगी इंटरनेशनल मार्केट में, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो जाहिर है फिर आपको एक्सचेंज रेट कम करना होगा, अपने आप कम हो जाएगा वो। और जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, एक्सचेंज रेट कम होगा आपकी कंट्री का, इसका मतलब यह है कि अब फॉरनर को आपकी कंट्री का प्रोडक्ट सस्ता लगने लगेगा। पहले वो 100 रुपए में एक खरीद पा रहा था,
अब वो 100 रुपए में 1.5 खरीदेगा, थोड़ा ज्यादा, क्योंकि अब सिर्फ करेंसी चेंज हो गई, उसकी करेंसी थोड़ी स्ट्रांग हो गई, आपकी कम हो गई, अब उसे उस उतनी ही करेंसी में ज्यादा प्रोडक्ट आपकी कंट्री में मिल जाएगा। उससे क्या होगा, जब आपकी कंट्री में लोगों, आपकी कंट्री के प्रोडक्ट में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा, और जब आपका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो आपका नेट एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, और जब नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो अपने आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। इसके दो वजह बताऊं, नेट एक्सपोर्ट के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड एक तो ऐसे ही बनती है कि क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को जब आप फॉर्मूले में लिखते हैं तो नेट एक्सपोर्ट उसका एक कंपोनेंट है, एन एक्स माइनस एम लिखते हैं ना हम लास्ट में, तो कंपोनेंट है, यानी वो जब बढ़ेगा ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। दूसरी चीज ये कि जब आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो इसके मतलब आपकी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन भी तो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो लेबर ज्यादा चाहिए आपको, इनकम बढ़ेगी, उससे इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो प्रूफ हुआ कि प्राइस लेवल अगर घटता है तो उसकी वजह से एक्सचेंज रेट में कमी आती है, और एक्सचेंज रेट जब नीचे चला जाता है तो उससे आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि आपकी कंट्री का प्रोडक्ट दूसरों को सस्ता लगता है, और उससे जब आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है तो उसके बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। तो ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो यही तीन रीजन है जिसकी वजह से आपके एग्रीगेट डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वेल्थ इफेक्ट, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट एंड एक्सचेंज रेट इफेक्ट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।